हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद मैं अपना ये वीडियो एडिट कर रही हूँ। काफ़ी टाइम हो चुका है, ये अगस्त का वीडियो है जो मैं अब जा कर के एडिट कर रही हूँ। घर में काफ़ी कुछ हो गया था, इस वजह से मैं अपने वीडियो को आप लोगों तक नहीं पहुँचा पाई। मैं सोची चलो अब आप लोगों के साथ में मैं एक एक करके लेट पोस्ट करके डाल दूंगी और आप लोग समझ सकते हैं। तो आगे आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या सिचुएशन हुई थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोले, और आज है दीदी का बर्थडे। दीदी मतलब कि मेरी जो बड़ी नंद है उनका बर्थडे है। तो हमने सोचा कि फटाफट से काम निपटा लिया जाए सुबह का, क्योंकि रात में तो कोई काम रहेगा नहीं और रात में हमें जाना है वहाँ दीदी के यहाँ पर सेलिब्रेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल छोले बना रही हूँ, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं कर रही हूँ। बस ऐसे ही चॉप करके मैंने सब कुछ डाल दिया है और वह छोले डाल के मैं ऐसे पका लूँगी। छोले को मैंने बॉईल करके इसमें डाला हुआ है, और इसके बाद में फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था और सीधे हम रात में जब जहाँ हमें जाना था वहाँ के लिए हम निकल गए। तो मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी अपने भांजे के साथ में, लेकिन फिर उसके बाद में हम लोगों का डिसीज़न ये हो कि पहले घर जाएंगे दीदी के, उसके बाद घर में सेलिब्रेट होगा और फिर हम लोग निकलेंगे वहाँ से कहीं और के लिए। मतलब हम फैमिली मेम्बर्स लोग अलग सेलिब्रेट करते हैं ना हमेशा, इस वजह से तो पहले सबके साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। तो ये देखो आत्मन की खुशी, और हम लोग पहुँच चुके हैं दीदी के घर। तो आइए ना, लो वो इसी वजह से तो नहीं आता है, उसी से आवाज। फिर घर से हम लोग निकल चुके हैं सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स रेस्टोरेंट के लिए। रेस्टोरेंट जा रहे हैं हम लोग काके की हट्टी, क्योंकि यहाँ का जो खाना है वो बहुत ही हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं ये लोग, और प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और दूसरी कार से बाकी लोग आ रहे हुए हैं। तो चलिए वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो यहाँ रेस्टोरेंट में हम लोग आए थे, फैमिली में थे, मेरी दोनों नंद हैं और साथ में बच्चे हैं। तो जो बच्चे हैं वो मेरे भांजा भांजी हैं, साथ में भाई था मेरा, मतलब मेरा मुंह बोला भाई है राखी ब्रदर, और जीजा जी थे, दोनों जीजा जी थे, बड़े और छोटे दोनों जीजा जी थे, और मेरे हस्बैंड थे साथ में और आदमन। बस हम लोग इतने लोग थे, इतने ही लोग हम लोगों को आना था यहाँ पे। नहीं नहीं, खाने में दो खाने के बाद ही बचे रहते हैं। हाँ, हमने खाया था। बर्थडे गर्ल हम सब यहाँ पे बैठ करके ये डिसाइड कर रहे थे कि खाने में कौन क्या खाएगा, क्योंकि खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। हम लोगों की सबसे पहली चिंता ये होती कि खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अन्न वेस्ट होना बहुत बुरा फील होता है फिर हम लोगों को। तो यहाँ पे मैं सबको दिखा रही थी, वीडियो बना रही थी, कुछ रील्स वगैरह भी बना रही थी। तो चलो फिर आगे जब केक कटता है तो आपसे मिलते हैं और आपको बताते हैं कि केक जो मंगवाया था कैसा आया था।
तो फाइनली यहाँ पे केक आ चुका है। केक हम लोगों ने ऑर्डर किया था यहाँ पे, क्योंकि घर पे तो बहुत सारे केक हो गए थे, इस वजह से हमने घर पे कोई केक नहीं कट पाया, हमने रेस्टोरेंट में ही केक लेकर के आए थे। तो यहाँ पे केक कट रहा है और आप देखते रहिए, बने रहिए। फैमिली है तो ऑब्वियसली चीज़ें मस्ती मजाक तो होगी ही होगी। तो ये दीदी का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है। दीदी हमारी जो है वो लगभग 49 ईयर्स की हो चुकी हैं, कोई देख के उन्हें कहेगा नहीं, बट हाँ वो 49 ईयर्स की हो चुकी हैं। तो चलिए अब बर्थडे सेलिब्रेशन में आप भी बने रहिए साथ में, मैं आपसे आगे मिलती हूँ। हाँ हो गया, कालो कालो उसने अपने मन का पसंद का लाया ना। दीदी आप कुछ क्यों नहीं ले रही हो? पिंकी दीदी आप कुछ क्यों नहीं ले रही हो? अरे ये तो इससे ज्यादा छोटा है। आपकी तो हमने खींच ली।